नमस्कार किसान भाइयों, आज आपको मैं मक्का में खरपतवार नाशक दवा का डेमो दिखाऊंगा। फिलहाल हमारे जो मक्का है उसमें आप देख सकते हैं चवर आ चुकी है, जो फूल आने की अवस्था होती है चवर और चिप्पिया बोलते हैं उसको, यानी भुट्टा और जो फूल होते हैं वो एक साथ आते हैं। तो अभी हम चारा मार के छिड़काव कर रहे हैं। यदि स्टार्टिंग में छींटने का होता है, नमी की अवस्था में छींटने का होता है, तो अभी हमने इसको निंदाई करवा के जो पानी गिरने की वजह से वो जो खरपतवार होंगे हैं अभी बाद में उनमें एक बार छिड़काव कर रहे हैं, ताकि लास्ट तक इसका जो खरपतवार है वो ज़्यादा इसका जो न्यूट्रिशन से वो ज़मीन से पोषक तत्व डिवाइड ना हो सके, मतलब पूरा तरीके से मक्का को मिल सके और मक्का अच्छी उत्पादन दे सके। तो आपको मैं दिखाता हूँ, सबसे बेस्ट दवा मानी जाती है BASF की, आप देख सकते हैं टिंजर नाम से आती है, सिलेक्टिव हर्बिसाइड। 30 ml की इसमें बोतल होती है, एक आउटराइट एक 300 ml की बोतल होती है जिसे हम चिपको बोल सकते हैं, जिससे वो पत्ती पे चिपक के अच्छे से दवा और काम कर सके। तो इसमें टेपरामेजोन 336 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसका कंपोजिशन है। ये सक्रिय पत्ती के लिए है और इसके अंदर एक एजुटेंट है मौजूद जिसको पत्ती में चिपकने के लिए जो हेल्प करता है। तो आपको पूरा दिखाता हूँ मैं, जो फ्लस्क है साथ में जो इसके आता है, जो ये कूपन इसमें लिखा हुआ है, फ्री ग्लोव्स मुफ्त, इसमें दस्ताने भी साथ में है, फ्री 500 ग्राम फ्लस्क कूपन अटैच, मतलब कि इसमें 500 ग्राम का जो फ्लस्क का पाउच है ये इसमें साथ में आता है, और ये जो 500 ग्राम का पाउच है इसमें मिलाया जाता है ये एट्राजिन दवा, ये चौड़ी पत्ती के लिए होती है, एट्राजिन 50% घुलनशील पाउडर, ये घास पात नाश के लिए। तो ये दोनों है, आपको जब मैं खोल के दिखा देता हूँ बॉक्स के अंदर, ये जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें साथ में ग्लोव्स भी आए हैं, ये तो अच्छा है सेफ्टी टूल। ये है जो एजुएंट है, एजुएंट है इसका उपयोग हम और भी जो फसलें होती है जैसे सोयाबीन वगैरह उसमें भी, जैसे इमेजा थाइपर और तुअर की जो फसल होती है अरहर उसमें भी यूज़ कर सकते हैं चिपको के हिसाब से। तो ये है ठीक, और ये 30 ml की एक छोटी सी बोतल आती है, ये है इसका खास कंपोजिशन या बोले तो कंटेंट्स जो होता है टोपरामेजोन 336 ग्राम पर लीटर SC फॉर्म में है। ये सकड़ी पत्ती के लिए है, साथ में ये फ्लस्क इसमें जो मिल के बनता है इसका घोल कर लो, इसी घोल में इसके बाद इसका घोल कर लो, दोनों को मिला लो, उसके बाद लास्ट में जब आप स्प्रेयर में डालो तो इसको इसमें 30 ml डालना होता है इसके साथ ऊपर से, इसमें मिलाया नहीं जाता, मिला सकते हैं लेकिन मिलाया नहीं जाता, उसका अच्छा रिजल्ट आपको लेना है तो ऊपर से डालना चाहिए। तो ये तो आपको पता है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नए हो तो आपको ये दवा का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये एक तरह से टॉनिक का काम भी करती है, ये दवा मारने के बाद आपकी मक्का डार्क ग्रीन कलर की हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने टॉनिक का छिड़काव किया हो, अच्छा रिजल्ट देता है, और खरपतवार भी अच्छी जड़ से समाप्त होंगे। खरपतवार कम से कम 3 से 4 पत्ती के हो तो अच्छा है, ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट उतना नहीं मिल पाएगा, हालाँकि अच्छा असर करेगा। आपको ये दवा छिड़कने के बाद कोई और दवा छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं, और ये दवा सिर्फ एक बार मक्का में छिड़की जाती है, सिर्फ एक बार। इसकी जो लीफलेट है, आई मीन इसकी जो
इसमें जो ये दिया हुआ है इसके बारे में, ये भी आप देख सकते हैं, सिर्फ मक्का के लिए, मकई के लिए बनी हुई है। इसमें सुनहरी घास, चिन्हारी, मकड़ा घास, सावा, गाजर घास, कुंजरू, चौड़ई, फिंगर ग्रास, रसभरी, रेशम काटा और सफ़ेद मुर्ग जैसे जो खरपतवार होते हैं उनका नाश होता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी स्प्रे आप यूज़ करें उसमें कट नोज़ल का यूज़ करें, जो फैलाव के साथ डालती हो, सिंगल छेद की आती है, उससे दवा का नुकसान भी नहीं होता। बड़ी जो नोज़ल होती है उस बड़ी नोज़ल में दवाई का ज़्यादा नुकसान होता है।